नमस्कार, आज हमें इंदौर में आरई टू रोड के निर्माण के लिए पिपलियाना क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक घरों को तोड़ा गया है। आज हमें उन बस्ती वालों के बीच में जिनके घरों को तोड़ा गया है और इनको यहां से शिफ्ट करने की बात सरकार कर रही है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों को वो लोग झेल रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे घरों को कब तोड़ा गया? अभी 10 तारीख को तोड़ा है, सोमवार के दिन। आज यानी 10-12 दिन होगा सर। अब हम इतने परेशान हैं कि हम लोग किसी को बता भी नहीं पा रहे कि हम कितनी तकलीफ में हैं। हमारे वहाँ की लाइट भी आए दिन बंद कर देते। जब हम लोगों को स्टे लगे थे, स्टे लगने के बाद भी तुम लोगों ने हमारे घर कैसे तोड़ दिए। जब कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में हम लोगों का केस है, हाई कोर्ट में केस होने के बाद भी हमारे ना 22 घर को उजाड़ने के लिए करा। मैंने खुद को फांसी लगाई ना, उस चक्कर में 15 घर बचे। वरना हमारे स्टे 22 लोगों के थे, तो 22 लोगों को तो आप टच नहीं कर सकते थे। चलो हम 450 लोगों का बोल रहे कि भाई इन लोगों की गलती थी कि इन्होंने तोड़ने दिया, अपने घर के लिए थोड़ा लड़ते, मगर ये लोग लड़ नहीं पाए। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट में केस था, उनके भी 7 घर तोड़ दिया हाई कोर्ट वालों के, और अभी हम 15 लोग जो बचे हैं, तो 15 लोगों को इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। आए दिन लाइट बंद कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन वही चलता, दो दो तीन तीन दिन हम लाइट बिना लाइट में पड़े हैं। पानी हमारे वहाँ आ नहीं रहा है, पानी से भी मोहताज हो गए। यानी उन लोगों ने बोला था कि इनको सब तरीके से टॉर्चर करेंगे तो ये खुद ब खुद जाएंगे। लेकिन हम पहले भी 40 साल पहले भी, मैं नहीं यानी जो ये आंटी जी ने, ये 40 साल पुराने हैं, इन लोगों ने बताया कि बेटा हम कैसे बिना लाइट बिना पानी बिना उसके रहते थे। तो ऐसे ही संघर्ष शायद 40 साल बाद हम लोगों को करने को मिला है, तो हम वो लड़ रहे हैं। मगर ये बात है सर, फ्लैट में आप बताओ, थोड़ी सी देर मेरी जगह अपना आपको रख के देखो कि आप लोग फ्लैट में रह सकते हो? छोटा सा कमरा, छोटा सा बेडरूम, छोटा सा सब कुछ है, आप लोग रह सकते हो? हमारे साथ हमारे 2 बच्चे हैं, किसी के वहाँ बहू है, किसी के घर 4 बेटे हैं, 4 बहू है, वो लोग कैसे फ्लैट में रहेंगे? चलो फ्लैट में रह भी ले हम लोग, पर 15 किलोमीटर जाएंगे वहां से काम करने, या कैसे आएंगे? अभी आप खुद ही यानी कैमरा सब दूर घुमा के देखना सर, कि इन लोगों ने फ्लैट में घर ले लिए ना, उसके बावजूद ये लोग दिन में यहाँ क्यों रह रहे हैं? जब आपने अतिक्रमण में पूरा घर तोड़ दिए, तो ये किस बुनियाद पे यहाँ रह रहे हैं? हम 22 लोगों की छाव में रह रहे हैं क्या ये लोग? ये लोग अपने आपके लिए लड़ नहीं सकते? मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि ये लोग जो हमारे बीच में आके यहाँ रह रहे हो ना, तुम अपने फ्लैट भी शिफ्ट हो गए, तुम आराम से, तुमने तुम्हारा सामान देखा? मैंने सर अपने घर की एक खील तक नहीं ली थी। मैं वहां, मेरा घर इस कोने पे, पर मैं उस कोने पे जाके मैंने फांसी लगाई थी लोगों के चक्कर में, तो ये दम इन लोगों में नहीं था क्या? मैं तो सभी से गुस्सा हूँ सर, मेरे को बहुत सबसे नफरत हो रही है, उसके बावजूद फिर तुम हम लोगों के बीच में क्यों रह रहे हो? किस हक से रह रहे हो? आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? 40 साल से ऊपर हो गए। जब आप लोगों के घर तोड़े गए तो सरकार ने कोई नोटिस दिया या जानकारी दी? कोई नोटिस नहीं दिए, पहले भी तोड़े गए थे, उसका पेपर है हमारे पास, और अभी मैं तो नहीं जानती, पढ़े लिखे मैं नहीं हूँ, पर पेपर है। बहुत परेशानी से हमने इस जगह को हासिल करा है। ऐसा बताया जाता है कि जब आप लोग रहने आए थे तब यहाँ बहुत पानी भरा होता था, कीचड़ था, अंधेरा था, बियावन जंगल था सर, ये सांप बिच्छू ऐसे चलते थे, हमारे बच्चों को हम कैसे रात रात भर लेके बैठे रहते थे। तो अब वही समय इन्होंने वापस हमें ला दिया है, 40 साल पहले था जो, अब फिर ला दिया, हमारी बस्ती पूरी उजाड़ दी गई। इसका जो यहाँ पे सड़क निकल रही है, इसके नक्शे की कोई जानकारी आप लोगों को? नक्शे की जानकारी नहीं थी सर, ना हमें बताया गया, कोई ना नोटिस दिया गया, आए और एकदम से तोड़ दिया इन्होंने, सुबह 6 बजे आ गए। सरकार ने आप लोगों को शिफ्ट करने के लिए क्या योजना बताई है? ये फ्लैट का ही बोल रहे हैं कि आपको फ्लैट दिए जा रहा है, आप उसमें शिफ्ट हो जाओ, तो हम कैसे हो जाएं सर, आप बताइए। हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ है, हमारा खुद का भविष्य यहाँ है, यहाँ रोजगार हमारा है, अगर हम रोजगार नहीं करेंगे तो हम बच्चों का भविष्य कैसे बना पाएंगे? कितना दूर फ्लैट दिए जा रहे हैं? 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आप लोग यहाँ आसपास की बस्तियों में काम करते हैं? जी जी, हम यहीं करते हैं सब काम। लेकिन वो मैम ये नहीं चाह रही, अगर हमारी जगह वो देख के अधिकारी लेके रह के देखे तो हम जाने उन्हें, जैसे महापौर जी है, कलेक्टर साहब है, संतोषी गुप्ता मैडम है, ये रह सकती है क्या वहाँ? इन्हें तो अच्छे VIP बंगले चाहिए, इन्हें सब कुछ की सुविधा चाहिए, तो हम आम आदमी को किसी चीज की सुविधा नहीं चाहिए क्या? अरे हमें किसी चीज की सुविधा मत दो, लेकिन हमें घर तो दो कि हम हमारे अच्छे बच्चों को अच्छा भविष्य दे चुके, जो भविष्य हम नहीं चाहे, हमारे बच्चों को भविष्य मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, जो बच रही है हमारी जमीन देना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों की तरफ आऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी काटे गए हैं, कल पता पड़ा कि आप लोगों ने पेड़ बचाए यहाँ पर, तो इस पेड़ों को काटने के बारे में कुछ जानकारी बताइए कि क्या हुआ कर? भैया मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ, एक साइड तो सरकार बोलती है पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, और दूसरी साइड से यहाँ पे आ रही है तो इतने सारे पेड़ काटे हैं, समथिंग
25 से ज्यादा इन लोग ने बड़े बड़े झाड़ काट दिए। अब बतलाइए क्या करें, हमने इनको रोकने की कोशिश करी तो एक अधिकारी आता है, बोलता है कि ये इमली का झाड़ भी बहुत बड़ा है, रोड में आ रहा है, आप इसको भी हटाइए, ये पीपल का झाड़ जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा है, तो बोल रहे हैं इसको भी हटाना है अपने को, ये सब रोड में आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।